नमस्कार, क्रिकेट में इस यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईपीएल 2020 के शेड्यूल पर बीसीसीआई ने पहली बार अपना मुंह खोला है और अपना मुंह खोलते ही बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 शेड्यूल पर फर्स्ट अपडेट दे दी है। और उस फर्स्ट अपडेट से दो न्यूज़ निकल के आ रही है जो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। और ये जो न्यूज़ निकल के आ रही है इसके वजह से शेड्यूल में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। और सच कह रहा हूँ, जितना एक्साइटेड आप इस वीडियो को देखने के लिए उतना एक्साइटेड मैं इस वीडियो को बनाने में हूँ। तो इतना एफर्ट्स डाल रहा हूँ, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को 220 लाइक्स तक पहुँचा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को फटाफट से दबा लो। और इस वीडियो के एंड होने के बाद मुझे इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर लो, आईडी आपके सामने नज़र आ रही होगी। जो सबसे पहली न्यूज़ बीसीसीआई ने दी है वो बीसीसीआई ने दी है आईपीएल ड्यूरेशन को लेकर, यानी कि आईपीएल की लेंथ को लेकर। मैं आपको बता दूं कि अनुमन जो आईपीएल होता है वो 45 डेज़ का होता है, जहां पर वीकेंड्स में यानी कि सैटरडे और संडे को डबल हेडर यानी कि दो मैचेस होते हैं। लेकिन इस बार बीसीसीआई आईपीएल 2020 को 60 डेज़ का करवाने वाला है। मैं ये जो बात है ये अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, बीसीसीआई ने खुद ये बात बताई है। मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको प्रूफ भी दे दूंगा, जहाँ पर इस बार बीसीसीआई ने ये डिसाइड किया है कि इस बार आईपीएल डबल हेडर्स नहीं होने वाले हैं और इसी के वजह से 60 डेज होने वाला है आईपीएल। अगर हम लोग बात करें कि डबल हेडर से प्रॉब्लम क्या हो रही थी, तो प्रॉब्लम यही थी कि जब भी अगर जो पहला मैच हो रहा उसमें बारिश आती थी या किसी और वजह से वो मैच डिले हो जाता था, तो दिन का जो मैच और टाइमिंग था वो रात के मैच के कॉलेप्स हो जाता था, जिसके वजह से दिन वाला मैच तो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता था। जो टीवी की ऑडियंस थी वो दिन वाला मैच पूरा नहीं देख पाती थी और वो शाम वाले मैच को भी अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाती थी। और इसी की वजह से बीसीसीआई ने इस बार ये डिसाइड किया कि हम लोग डबल हेडर्स नहीं रखने वाले, एक ही मैच आपको हर रोज़ देखने को मिलेंगे। और इसी की वजह से 60 डेज का होने वाला आईपीएल, और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि अब 15 दिन और इन्जॉय करने को मिलने वाला है हम लोग को आईपीएल। जो दूसरी न्यूज़ निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है टाइमिंग्स को लेकर। आपको याद ही होगा कि पिछले साल भी बहुत सारे दिग्गजों ने बीसीसीआई को कहा था कि आप आईपीएल को 8 बजे नहीं बल्कि 7 बजे शुरू कर दो, बहुत ही बड़ा ड्रामा हुआ था उस समय। लेकिन बीसीसीआई ने उनकी बात नहीं मानी और उन्होंने सिर्फ प्लेऑफ्स के मैचेस को ही 7 बजे शुरू किया। लेकिन इस साल बीसीसीआई खुद चाहता है कि वो जो आईपीएल है 7 बजे शुरू कर दे, बस जो सारी टीम से उनकी मंजूरी लेनी बाकी है। और ऑब्वियसली सारी टीम मान जाए कि मैच 7 बजे शुरू हो जाए, क्योंकि अगर मैच लेट से शुरू होता है तो लेट से फिनिश होता है और इतनी रात को व्यूअरशिप नहीं मिलती, व्यूअरशिप थोड़ी गिर जाती है, जिसके वजह से बीसीसीआई का तो नुकसान होता ही है, साथ ही साथ सारी टीम्स को भी नुकसान होता है। इसी के वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस बार जो मैच है वो 7 बजे शुरू हो। तो ये तो थी दो बहुत ही बड़ी अपडेट जो आईपीएल हो जाए भी शेड्यूल से निकल के आई है। अगर प्रूफ की बात करें तो इंडिया टीवी पे ये आर्टिकल छप चुका है, दोनों आर्टिकल्स आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, आप पॉज कर अगर चाहते हैं तो वो आर्टिकल पढ़ सकते हैं। हालांकि इन दोनों आर्टिकलों को मैंने इस वीडियो में समझा दिया है, तो प्रूफ के साथ आपको सब कुछ दिखा दिया। हम लोग कभी फेक न्यूज़ नहीं देते, लास्ट 2-3 वीडियोज़ में बहुत लोग कह रहे थे कि फेक न्यूज़ देते हो आप, लेकिन हम कभी फेक न्यूज़ नहीं देते। प्रूफ के साथ मैं बताता हूँ कि कौन सी न्यूज़ मुझे कहाँ से मिली है। सो विद दिस सेट गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल जरूर से दबा लें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।